basically it's a chain. We are trying to open new chains in Mumbai wide. It's a purely veg restaurant with shisha and bar. लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है और इंटीरियर भी हम लोग ने बहुत सोच समझ के बहुत सारी चीज़ें बेसिकली लोग फैंटेसाइज करते हैं दुबई को तो दुबई में जो चीज़ें मिलती है शीशा हो गया इंटीरियर हो गया सब कुछ, लेकिन हम लोग वेज में खाना दे रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए। वेज खाना है बेसिकली सब कुछ हम लोग, इंटीरियर लेकिन सारी चीज़ों को देख के, एरिया को देख के हमने वेज मेन्यू रखा है सब कुछ अच्छे से, और बेस्ट ऑफ वेज हम लोग ने रखा है यहाँ पे, बेस्ट क्वालिटी सब कुछ बेस्ट रहेगा। यहाँ पे जो अंदर स्टाफ काम कर रहे हैं उनकी बात करेंगे तो वो किस तरह से लोग अपने अवेलेबल सॉरी जो अंदर स्टाफ है उनके बारे में सिलेक्शन इस तरह से किया, हर जगह से सबसे बेस्ट जो स्टाफ है वो हमने पिक किया। हमारा शेफ भी सबसे बेस्ट है, हमारा सर्विस करने वाले भी सबसे बेस्ट है, और आर एजुकेटेड सब, एवरी वन हैज स्माइल ऑन देयर फेस व्हाइल गिविंग सर्विंग एंड एवरीथिंग। बहुत अच्छे से आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे अंदर म्यूजिक बज रही है, ओपनिंग हुआ है, कितना बड़ा धमाका है आपको? देखिए सबसे पहले तो हुसैन भाई को बहुत हुसैन भाई को बहुत मुबारकबाद। बहुत ही बढ़िया जगह है, आला जगह है, बहुत बढ़िया म्यूजिक है और बहुत इंजॉय करें। जैसे आप अभी अंदर आपने कैमरा घुमाया होगा, एवरीवन इज हैविंग अ गुड टाइम और होप है कि आगे भी जगह ऐसी ही चले, और होप क्या मुझे तो लगता है जैसा म्यूजिक है, जैसी जगह है, जैसे खाने को है, बहुत अच्छी चलेगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बनना आप देखिए लोग कितने एक्साइटेड हैं यार, मुझे बोलने की जरूरत है? आप अंदर एक बार कैमरा घुमाइए, इतने नंबर ऑफ पीपल हैं और लोग नीचे आप देखेंगे लाइन लगी हुई है नीचे लिफ्ट के बाहर, तो मतलब एवरीवन एक्साइटेड। 11:15 हो चुके हैं और अभी भी लाइन है बाहर, तो पार्टी इज ऑन टिल लेट एंड एवरीवन वांट्स टू गेट इन, सो राइट नाउ इट्स द मोस्ट हैपनिंग पार्टी। ठीक है सर, जो धमाकेदार आपने ओपनिंग की है और जिसको भी आपने बुलाया वो आपके एक कॉल में आए हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले? थैंक यू सो मच बोलूँ हम सबको, उन्होंने थैंक यू फॉर कमिंग, तो यहाँ पे आए हुए उन्होंने अंदर, आप खुद आप एक बार खाली कैमरा घुमाइए आप देखिए। मैं तो कैमरा घुमा लूंगा सर, आपने जो चीज़ें वहाँ पे क्रिएट की है वो माइंड में कैसे आए, उसका रिव्यू तो सब जनता को पब्लिक ही देंगे, जो आ रहे हैं वही सब देंगे गेस्ट। लोगों के लिए क्या मैसेज होगा कि लोग यहाँ पे आए अनदर डे आके विजिट करें? अच्छा खाना, अच्छा शीशा। सबसे पहले तो मैं मिस्टर मकरानी और पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मुंबई में नहीं दुबई में आ गया हूँ, मुंबई में दुबई वाली फील आ रही है। एंड ओवरऑल इनकी प्रेजेंटेशन है जो फूड की, ड्रिंक्स की एंड द क्राउड ओवरऑल, एक यूथ वाइब है। जितने भी यंगस्टर्स हैं या मैरिड हैं, एवरी वन इज़ गोना कम हेयर एंड चिल। ये प्लेस ऐसी प्राइम लोकेशन पे है कि ईजिली एक्सेसिबल है और सब कुछ बहुत अच्छा है, वाइब बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइट है, जो कि सबसे अच्छी बात है। एक कस्टमर क्या चाहता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी हो, आपको किस तरह से, बाहर हम क्यों खाने आते हैं, ताकि आपको अच्छा खाना मिले, राइट? बात करें तो आप बहुत सारी जगह विजिट करते हैं, इस तरह जी आपको ओपनिंग में भी जाना होता है जी, लेकिन यहाँ पे क्या अलग है कि यहाँ पे खास, यहाँ का इंटीरियर बहुत अच्छा बनाया है, इनका म्यूजिक बहुत अच्छा है, इनकी प्रेजेंटेशन जो फूड की प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत अच्छा है, एंड हुक्का शीशा जो एंजॉय करते हैं यंगस्टर्स उनके लिए बहुत अच्छा है। सो दिस इज द बेस्ट प्लेस जी, मज़ा आया, मज़ा मैं कह रहा हूँ बहुत मज़ा आया, और ये प्लेस ऐसी है कि अगर आप शाम को भी आएँ रात को भी आएँ यू विल बी गोइंग बैक लाइवली, यादें लेके जाएंगे आप यहाँ से, वैसी प्लेस है जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना भी मुंबई का यंग क्राउड है मोस्टली लोकल ट्रेन से ट्रैवल करता है, राइट? अगर स्टेशन के पास से भी हम गुजरते हैं तो कहते हैं कि व्हाई नॉट, तो सब लोग यहाँ आएंगे, डेफिनेटली आएंगे और कुछ ना कुछ वापस ही लेके जाएंगे ताकि वो बार बार यहाँ पे आए। तो सर यहाँ पे आपने विजिट किया है, तो सबसे पहले इस ओपनिंग को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितना एक्साइटमेंट है यहाँ की म्यूजिक जो अंदर ही अंदर गूंज रही है? एक तो इट वॉज अनप्रेडिक्टेबल कि ऐसी जगह पे ऐसा अच्छा लाउंज हो सकता है। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एवर कम सम प्लेस वेयर दिस लाउंज इज सो गुड। म्यूजिक, लाउंज, एम्बियंस, ये सब एकदम बेस्ट है। आई मीन यू कांट गेट बेटर देन दिस इन अ प्लेस लाइक मलाड।
आई थिंक ऑल मलाड टू बोरीवली जो भी है, अगर इफ़ यू वॉन्ट अ बेस्ट प्लेस टू पार्टी, आई थिंक डेजर्ट लाउंज इज द बेस्ट प्लेस. वी रिकमेंड यू एंड टुडे वी कॉल्ड एवरीबडी राइट फ्रॉम मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स टू ऑल द एक्टर्स, दे आर ऑल हियर. ओके, यू हैव एडलिन कैसलिनो, यू हैव अवृति चौधरी, हुआ सुमित सुपरा नेशनल, ये सारे आज आए हैं और वी आर वेरी हैप्पी दैट दिस इज अ स्टार स्टार्टेड नाइट टू नाइट. सबसे बड़ी बात है सर कि आपका इस तरह से बहुत सारी जगह पर जाना होता है, तो यहाँ पे एस बी रोड है और यहाँ पे स्टेशन है और बीच में और लोग पब्लिक मलाड, मारवे रोड, अक्सा बीच, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक परी यू शुड आंसर फॉर दिस, व्हाट डू यू फील? आई थिंक लोकेशन वाइज इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू रीच हियर, मतलब कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि ऐसी जगह में, इट्स सच अ ब्यूटीफुल लाउंज, इट्स मेड इन अ वेरी मिडल ईस्टर्न तरीके से, यू नो, वेरी अरबिक, सो आई थिंक इट्स रियली नाइस एंड स्पेशियस एंड अमेजिंग फूड एंड ड्रिंक्स. ऑब्वियसली कपल्स की करें तो अक्सा बीच तो फेमस है, तो यहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं तो क्या लगता है कि वो तो आपको कपल्स को पूछना चाहिए. आई थिंक यहाँ पार्टी कीजिए एंड आफ्टर पार्टी आप मठ जाके कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. आपने सुना कि जो लोग आ रहे हैं तो बड़े एक्साइटमेंट है, तो आप कितने एक्साइटमेंट हैं कि लोगों को हमने बुलाया और आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हम लोगों ने भी मतलब जितना ब्यूटीफुल बनाया है और जितनी मेहनत किया है वैसा हमारा उसके अंदर में एक्सेप्टेशन जैसा था वैसे ही, मतलब क्राउड भी है और वैसा फीडबैक भी आ रहा है. आपका बिजनेस, हाँ, बिजनेस के अलावा भी हमारा जो मतलब टारगेट था कि हम लोग ये एरिया के अंदर में ऐसा कुछ करें तो देन बेस्ट एकदम. अभी जो क्राउड है और जो दिमाग में आया था कि हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि लोकेशन एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है, हमने भी देखा, हम लोग भी बोल रहे हैं, उसके हिसाब से आपके थिंकिंग में क्या आ रहा है कि आगे हम इसको और बेहतर करेंगे तो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि मतलब यहाँ का जो क्राउड है उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सर्विस, फूड एंड म्यूजिक सारी चीज़ें हम लोग एक ही जगह पे दे सके. एंड ये अरेबिक फील है तो इसमें अभी ये पूरे एरिया में ऐसा कोई अरेबिक फील नहीं है, दिस इज सिंगल यूनिट और उसके बाद में भी और आगे हम लोग देना चाहेंगे. बस सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग आए और म्यूजिक और फूड यहाँ का इंजॉय करें एक बार शीशा, तो देन सभी लोग आएंगे फिर हर बार. शीशा यहाँ का जो हम लोग सर्व कर रहे हैं ना वो एक अरेबिक स्टाइल में है, वो अगर आप हर्बल रहेगा शीशा सबसे पहले, तो और जो शीशा सर्व कर रहे हैं वो एक बार जब आएंगे उसके बाद ही एक्सपीरियंस उनको खुद को समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है. क्योंकि शीशा में मतलब आईना होता है, हम लोग देखते हैं ऐसा लोगों को लगता है, पर ये कौन सा शीशा है, इसके लिए तो सबको आना पड़ेगा एक बार. सर क्या कहेंगे आज की ओपनिंग बोलिए? ओपनिंग तो काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी धूमधार है. द बेस्ट प्लेस वॉज की क्या है कि एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेसेस है जो हर जगह नहीं मिलता स्वैम एंड शॉइन. इंडिया के जो ऑनर है उनके लिए क्या कॉन्ग्रेचुलेशन? ऑब्वियसली कंग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस है कि काफ़ी अच्छी जगह उन्होंने ली है और सर होके काफ़ी अच्छा चले ये. अभी तो एंजॉय कर रहा हूँ, म्यूजिक भी अच्छा लग रहा है मुझे. ओब्वियसली अभी तो आए हैं तो देखते हैं कि क्या कैसा जाता है आगे. तो अपने फ्रेंड्स लोग को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अच्छी जगह है, आओ एक बार ट्राई करो, आपको मज़ा आएगा, काफ़ी स्पेस है तो आपको और एंजॉय करेंगे. बात मजे की तो जो यंगेस्ट लोग हैं हमारे आपके जनरेशन के, तो उनके लिए मतलब यहाँ पे तो ओपनिंग हो गई, तो उनके लिए और ओपनिंग के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज सब लोग आओ, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, रूफ टॉप है एंड डेजर्ट लॉन्ज है, बहुत अच्छी तरीके से बना रखा है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे वेटर्स अच्छे हैं, ओनर बहुत अच्छे हैं, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगा. अंदर मतलब आपने इंजॉय किया तो क्या अलग जगह से यहाँ पे डिफरेंट कुछ देखने को मिला आपको? या बिकॉज ये लाइक हाइट पे है एंड तो उसी का वो है, डिफरेंट है, बाकी लाइक उतने वो नहीं होता है, तो इसमें एक अलग ही है, फील अलग है, एम्बियंस अलग है, एम्बियंस अलग है. ऑनर को क्या सक्सेसफुल मंत्र क्या देना चाहेंगे कुछ अगर यहाँ पे? मैं बोलूँगा कि लाइक अपनी बेस्ट विशेस देना चाहूँगा और मैं बोलूँगा कि ये प्लेस बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि अभी भी देख रहे हैं आप जैसे लॉन्च पे इतना ज़्यादा क्राउड आ रखा है और बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रखे हैं, मेरा भाई मेरे साथ है, तो मैं बस यही बोलूँगा कि सब लोग इधर आएंगे. ओके, थैंक यू सर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हुसैन जी को और नाजुर भाई को गुड लक कहना चाहूँगा और बहुत प्यारी जगह खोली है इन्होंने, आई एम श्योर दिस गोना रॉक, पीपल गोना लव द फूड एंड पीपल गोना लव द एम्बियंस एंड ऑल, सो रियली हैप्पी कि एक एंटीटेन के लिए एक अच्छी नई जगह खोली आपने मुंबई में और स्पेशली मुंबई क्राउड के लिए. And I'm so happy to be here and I wish कि मैं आते रहूँगा आगे भी और यहाँ के लुक उठाते रहूँगा.
ठीक है, यहाँ पे जिस तरह का मतलब लोग इस तरह का प्लेस ज़्यादातर सर्च करते हैं जी, यार ये ओपन काइंड ऑफ लॉन्च जो होती है, जो ओपन टेरेस वाली, वो लोगों को काफ़ी पसंद आती है। काफ़ी मुंबई में काफ़ी ऐसी जगह है मुंबई के बाहर भी, तो एक फ्रेश एनवायरनमेंट भी मिल जाती है, बाहर की खुली हवा भी मिल जाती है, एक फ्रीडम मिलती है लोगों को कहीं पे भी जाने आने के लिए। सो इट्स रियली गुड एंड आफ्टर द कोविड थिंग स्पेसफुल जगह जितनी ज़्यादा मिले, जितने ज़्यादा लोग खुल के घूम सके वो ज़्यादा अच्छा है, और उस हिसाब से इन्होंने बनाया है। सो आई एम रियली हैप्पी विद द एम्बियंस एंड ऑल। आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आई कंग्रेचुलेट सर फॉर ओपनिंग द ब्यूटीफुल प्लेस, एंड जिसको बोलते हैं ना हम के छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, तो जब आप ऊपर से नीचे से देखते हैं तो एक्सपेक्ट नहीं होता है, और फिर जब अंदर आते हैं तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो बहुत ऐसी चीज़ें आफ्टर कोविड बहुत लोग कतराते हैं, बट थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू द ओनर्स के इतना ज़्यादा डेयरिंग किया और इतना ज़्यादा इतना अच्छी तरीके से इसको एम्ब्रॉयडरी एक एक चीज़ की डिटेलिंग के साथ में बनाए हुए। तो और मैं खुद डरता था जाने में इतने ज़्यादा क्राउड में, बट येस फॉर्चुनेटली इतनी अच्छी जगह है, सब लोगों को पसंद आ रही है, तो आई विश एवरी वन बेस्ट ऑफ लक, और मुझे बहुत मज़ा आया और डेफिनेटली इंशाल्लाह आता रहूँगा यहाँ। आपने देखा होगा कि लोग सर्च करते हैं जब आप पिक्चर शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स लोग को इंस्टाग्राम में और किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो क्या कैप्शन में क्या डालेंगे? मैं तो ये बोलूँगा कि जस्ट छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आप जैसे ही आएंगे डोंट जज कि कहाँ पर है क्या है, एक बार आप ऊपर आइए रूफ टॉप पे आइए और आपको ऐसा एम्बियंस मिलेगा कि आज की डेट में कहीं पे भी मोस्टली जो लोग कतरा रहे थे वो नहीं कतराएंगे और आएंगे और इन्जॉय करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी जगह है, मतलब मलाड में ऐसी जगह नहीं थी, तो आई एम रियली हैप्पी कि फाइनली मेरे घर के पास ऐसी जगह खुल गई है। ग्रेट एम्बियंस, ग्रेट फूड, गुड प्लेस। आपके घर के नज़दीक है तो आपको पता होगा कि मलाड कितना पॉपुलर है लोगों के, मतलब इन्वायरमेंट के लिए, उसके लिए नियर बाई एस पी रोड स्टेशन और यहाँ का इन्वायरमेंट, और उस जगह इस तरह ओपनिंग किया है, क्या कहना चाहिए? क्या नहीं, मैं भाई कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि थैंक यू आपने ये जगह खोली है, अब यहाँ आना और नज़दीक है तो आना और होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।